2022 का पंजवा मैच जो ये खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, ये जो मैच है 29 मार्च शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सी टीम जो इस मैच में टॉस को जीतेगी और कौन सी टीम जो मैच को जीतेगी, और ये सारा कुछ जो आपको दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही बताया जाएगा। सीट की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को बस पूरा देखिए एक जगह बैठ कर। अगर आप इस वीडियो का पूरा देख लेते हो सारा कुछ जो इस मैच में पता लग जाएगा, टॉस कौन जीतेगी, मैच कौन जीतेगी और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको इसमें पता लगने वाले। तो वीडियो को जरूर देख लें। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना बगल में जो घंटे के निशान से दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन। टू एड रिकॉर्ड्स की बात करें इन दो टीमों के बीच जो पिछले 5 मुकाबले खेले गए, 3 मैच जो सनराइजर हैदराबाद की टीम जीती हुई, 2 मैच जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है जीती। IPL 2021 में जो है ये दोनों टीमें जो 2 बार आपस में भिड़ी थी, जिसमें से 1 मैच में जो राजस्थान रॉयल्स जीती थी और 1 मैच में जो है सनराइजर हैदराबाद की टीम जीती थी। जो 2 मई को मुकाबला हुआ था 2 मई 2021 को, उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती थी 55 रन से सनराइजर हैदराबाद से। वहीं 27 सितंबर 2021 को जो मैच हुआ था दुबई में, उस मैच में जो है कौन सनराइजर हैदराबाद की टीम जो राजस्थान रॉयल्स से 7 विकेटों से जीती थी। अगर IPL 2021 की बात करें तो IPL 2021 में जो है ये दोनों टीमें जो टेबल की सबसे पॉइंट टेबल की सबसे नीचे की टीम थी, राजस्थान रॉयल्स जो है इस पॉइंट टेबल में जो 7वें नंबर पर थी, 8वें नंबर पर जो थे सनराइजर हैदराबाद की टीम थी। IPL 2021 जो था इन दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार गया था। देखते इस साल जो ये दोनों टीमों कैसा प्रदर्शन करती है, टॉप 4 में अपनी जगह बना पाती है नहीं, क्योंकि आपको पता है इस मैच इस साल जो है मेगा ऑप्शन हुआ, जिस कारण जो दोनों टीमों जो न्यू प्लेयर्स को ऐड किया गया, सनराइजर हैदराबाद की टीम हो या हो राजस्थान रॉयल्स की टीम। जैसे कि मैंने बताया IPL 2021 जो इन दो टीमों के लिए बहुत ज्यादा खराब साल रहा था। IPL 2021 में जो है जो जो लास्ट 5 मैचेस खेली थी ना, उसमें से 3 मैच जो है हारी थी, केवल 2 मैच ही जीती थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के IPL 2021 की बात करें तो IPL 2021 में राजस्थान जो लास्ट 5 मैचेस खेले 4 मैच हारी थी, केवल 1 मैच ही जीती थी। अगर इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहले के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद बिल्कुल ही जो है राजस्थान रॉयल्स पे भारी पड़ते हुए दिखाई दे। बट आप एक बात का ध्यान रखना, दोनों टीमों में न्यू प्लेयर ऐड हुए हैं, मेगा ऑप्शन हुआ था, न्यू प्लेयर ऐड हुए हैं, इसलिए वीडियो को जरूर से ध्यान से देखिएगा। अभी इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि परीक्षा भी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए अब बात करें दोनों टीमों में से टॉप 6 ऐसे प्लेयर्स की जो कि जो इस मैच में जो अच्छा आपको प्रदर्शन करते हुए जो दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करें दोनों टीमों में से टॉप 5 ऐसे प्लेयर्स की जो कि आपको इस मैच में जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें सनराइजर हैदराबाद के टॉप 5 प्लेयर्स की, तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आएगा केन विलियमसन का, दूसरा नाम आएगा राहुल त्रिपाठी का, तीसरा नाम आएगा एडेन मकरम का, चौथा नाम आएगा भुवनेश्वर कुमार का, पांचवा नाम आएगा टी नटराजन का। वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स के टॉप 5 ऐसे प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इनके तो सारे के सारे प्लेयर्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक प्लेयर जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम में जो भरे हुए हैं। अभी अगर बात करें टॉप 5 प्लेयर्स की तो यहाँ पे सबसे पहला इस लिस्ट में नाम आता है जॉस बटलर का, दूसरा नाम आता है यशवी जायसवाल का, तीसरा नाम आता है संजू सैमसन जो कि किसी का कप्तान भी होने, इस लिस्ट में चौथा नाम आता है रविचंद्र अश्मी का और पांचवा नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। ये थे टॉप 5 ऐसे प्लेयर राजस्थान रॉयल्स की जो कि मुझे लगता है इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे, चाहे बैट के बल्ले से या हो बॉल के मदद से। इसके लिए जितना रिकॉर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट हो सकता था उतना रिकॉर्ड्स तो मैंने आपको बता दिया है। आपको एक और बता दूं, अब मेरी प्रेडिक्शन से ज्यादा इन सभी रिकॉर्ड्स पे जो ध्यान दिया करो, इन सभी रिकॉर्ड्स से जो ध्यान से सुना करो, सभी रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अपना आप अपना भी दिमाग जो है लगा पाओगे, आप खुद से भी जो एक अच्छा डिसीजन जो है ले पाओगे। तो चलिए इन सभी बात को छोड़ते हैं, बात कर ले टॉस के बारे में।